अरे यार खड़ा हो पाएगा वजन 25.54 ग्राम है और जिसकी साथ ये दोनों जो है शिवपारा दुर्ग के रहने वाले हैं। होली के पहले इस तरह के अवैध पदार्थों नशीली पदार्थों से इस्तेमाल करने के बाद लोग में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है और काफी सारे अपराध भी होते हैं, इसीलिए अभी लगातार पेट्रोलिंग करके ये अवैध मादक सब्सटेंस पे सीजर किया जा रहा है। पिछले 6 महीने में लगातार दुर्ग पुलिस द्वारा जो है गांजा, ब्राउन शुगर और नशीली दवाइयों तीनों पे कार्रवाई की जा रही है। दूसरे का सामान है तुम्हारे पास तो गलती से आ गया था, आया ही नहीं। पुलिस को तुम्हें देख के लगा कि तुम दोनों जो हो काम ये आया कहाँ से पहले ये बताओ। ये नागपुर से आया। नागपुर से आया तो इतना तो पता है तुम्हें। नागपुर नागपुर तो गए घूमने, नागपुर घूमने गए गए कौन से राज्य में? बस बस स्टैंड गए हो, बस में पकड़ के बस क्या करने गए थे नागपुर? सामान लाने नागपुर गए थे। कितने आदमी हो तुम? नागपुर सामान लाने गए थे। वहाँ कहाँ से सामान मिला आपको? ये सामान कहाँ से मिला? एक लड़का लाके दिया। उस लड़के का क्या नाम था? तुम कैसे पहचाने वो लड़का? तुम्हें कैसे पहचाना? उससे कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे सर। वीडियो कॉन्फ्रेंस से? वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या वो तो इसको मोबाइल कॉन्फ्रेंस? मोबाइल से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस ही है वो। वीडियो कॉन्फ्रेंस मोबाइल कॉन्फ्रेंस? मोबाइल कॉन्फ्रेंस। अरे यार अच्छा साथ देते हो मोबाइल के थ्रू। तो तुमको कैसे किस नंबर से फोन आया कैसे मालूम चला तुम्हें? नंबर किस नंबर कैसे तुम्हारा उस आदमी से मिले तुम दिया तुम्हें ये? हमेशा वैसे देते थे। हमेशा वैसे ही देते थे? मतलब हमेशा नहीं भैया, पहली बार में गया। अरे भाई हमेशा से पहले आ गए तुम्हें बेवकूफ मैं ही मिला हूँ क्या भाई? हाँ पहली बार गए। पहली बार गए थे? पहले बार में पकड़े गए। ये गलती है ना, पहली बार में नहीं पकड़ा। कि 8-10 बार करते, लोगों को खिलाते, लोगों को बीमार करते, लोग अपराध करते, तब तुम्हें पकड़ाना चाहिए। मैं कुछ पीता हूँ इससे पहले भाई, इससे पहले भी पकड़ा चुका सर इससे पहले। हाँ मैं कुछ पिया था। कुछ पीते हो? कितना पीते हो डेली? डेली दो चार पुड़िया पी जाते हो। पीने का कैसा लगता है? गांधी जैसा। गांधी क्यों नहीं पीते हो फिर? ये क्यों पीते हो? गांधी का थोड़ा क्या अलग है इसका? इसका क्या अलग है? थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है बताओगे? इसको पीते तुम हो? इसको ये भी पीते हैं। चलो ठीक है, नहीं पीते हो तब क्या होता है? इसको नहीं पियो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता तो फिर क्यों पीते हो? गलती हो गया ना सर, आदत हो गई। कंकन नगर में मिलता है, लेके लाग लेते पीते हैं। पीने तो एक चीज है, नागपुर से लाना तो गलत है ना। पहले भी गिर गए हो सुना मैंने? हाँ वो किसी ने गिर। अब सेकेंड बार हो गया, दो बार जेल गए होते और थर्ड बार बोल देते। तुम्हारे जैसे ढीठ और बदमाश, तुम्हारी पहली बार काउंसलिंग नहीं हुई थी ना मेरे जैसे, तो दूसरी बार हुआ है। अभी मैं दिमागी इलाज भी मैं कर दूंगा तो उसके बाद तुम्हें जरूरत ही नहीं। वादा भी चले गए हूँ सर मैं, गलत हॉस्पिटल भी चले गया हूँ। अरे भाई तब भी तो ठीक नहीं हुए ना मेंटल के बाद भी। सही इलाज तो मेरे पास ही मिलेगा। कहाँ गए थे मेंटल हॉस्पिटल? देवादा गए थे इलाज के लिए। कितने दिन रहे देवादा में? 25 दिन। कोई असर नहीं हुआ? कब गए थे इलाज कराने? अभी 2 साल पहले। 2 साल पहले गए? 2 साल तो फिर यही काम कर रहे हो?
तुम बताओ भाई कहाँ नाम क्या है? कासिम साहब। काफी तुम कब से पीते हो ये सब? मैं ज्यादा दिन नहीं हो रहा सर। कितना दिन हुआ? न्यूकमर हो तुम? तुम भी नागपुर गए थे लाने? तो ये बताओ ये लेके तो ये आया, तुम कहाँ फंस गए इसमें? मैं थोड़ा बैठ गया, वो उसी में फंस गए। बैठ गए कहाँ? बैठे घर तुम्हारे घर में लेके आया ये? मेरा घर में नहीं, मामा के घर में। मामा के घर में? मामा नहीं है, इसका मामा। इसके मामा उसके घर तुम गए थे और तुम फंस गए? हाँ। क्यों गए थे मामा के घर? इसका भी आधा सामान था। आधा सामान इसका भी था? अरे सात पीस था मेरा। सात पीस था तुम्हारा? इसका कितना पीस था? उसका नहीं पता। सात पीस तुम्हारा? सात पीस लाके क्या करते तुम? पीता मैं भी। ₹250,000 में बेचते थे। पता नहीं है, उतना नहीं मिलता था। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? नागपुर जा रहे हो लाने के लिए, अपने पीने के लिए कहानी खिलाते हो मुझे? कैसे समझाऊं सर, कोई तो भरोसा नहीं कर सकता। तुम जब सच बोलोगे ही नहीं तो कौन भरोसा करेगा? सच्ची बोल रहा हूं। वहां लाते कैसे थे? यहाँ से नागपुर जाते थे? नागपुर में कैसे मिलता था तुम्हें ये? नागपुर से बस से। नागपुर बस से गए? बस स्टेशन उतर उतर सामने वाला कॉल किए। सामने वाला कॉल किया? नंबर कहाँ से मिला उसका? नंबर कैसे मिला? सामने वाला दे दिया। सामने वाला मतलब बुलाया है, आप पहुंच गया घर तक। हाँ हाँ, मैं सामने वाले को कॉल किया। तो इतना थोड़ा लाने के नागपुर जा रहे हैं तुम? और कौन कौन काम? बहुत है सारे तो। बहुत है, कितने दिन चलेगा तुम्हारा ये? दूंगा तो। हाँ, बीस एक महीना। एक महीना और बेच दोगे तो? हर पंद्रह दिन पे ज्यादा लाने के लिए तो पिछली बार जेल गए थे? कितना दिन रहे थे जेल में? 8 महीने 7 महीना कुछ दिन रहा था सर। इतने के बाद भी तुम सुधर नहीं रहे हो, तुम्हारे कारण इतने लोग बर्बाद हो रहे हैं। तुम्हें लगा नहीं तुम्हारे? नहीं तो तुम कितने लोगों को जानते हो तुम यहाँ पे जो पीते हैं? ये पीते लेते बेचते हो उसको भी जानता हूँ सर। कितनों को जानते हो? एक एक करके पूछेंगे। कितने पीने वाले कितने लोगों को जानते हो? पीने वाले बहुत लोग को जानते हैं। 100, 200, 500, 1000 आधा दुर्ग। आधा दुर्ग? आधा दुर्ग ऐसे मत बोलो भाई। नहीं नहीं नहीं, आधा दुर्ग मत बोलो। सबको नहीं बोल रहा हूँ, आधा दुर्ग है। आधा दुर्ग है? तुम्हारा दिमाग पर भी फिर से मंडला फूल को जाने की आवश्यकता है। दुर्ग की आबादी पता है कितनी है? कितनी है आबादी दुर्ग की? इसीलिए तो 17 लाख आबादी है। तो आधा मतलब बहुत लोग पीते हैं? बहुत लोग पीते हैं तुम्हारे हिसाब से। और बेचने वाले कितने हैं? बेचने वाले कितने? बेचने वाले कम से कम दुर्ग में 10-12 हो। कौन कौन है किसी के नाम बताओ? पहला बताओ। 10 लाख लोगों को खिलाने के लिए लोग जहाँ चीज। अरे इधर आ जाओ, जो पूछ रहा हूँ ये बताओ कौन कौन है? 10-12 नाम बताओ फटाफट फटाफट। मोन्टू को कहाँ का रहने वाला है? शंकर नगर। शंकर नगर और कौन? चुन उसका भाई। चुन उसका भाई वो वही शंकर नगर। तीसरा? तीसरा कौन है? बिना इलाज छुटकी खिला दो आगे बताओ। कहाँ का रहने वाला है? शंकर नगर का। और दीपेश वो कहाँ का रहने वाला है? शंकर नगर का। और संतराबाड़ी शंकर नगर संतराबाड़ी। और 12 आदमी 10 लाख लोग को खिलाना है तुम्हारे हिसाब से, तो खिलाने वाले लोग भी उतने चाहिए भाई। सर नाम तो पूछ रहा हूँ, तो नाम बताओगे तब ना। चार तो इतने तुम बताओ, इतने लोग याद नहीं आ रहे ना सर। कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स करा देंगे। पुलिस का रिलैक्स इतना रिलैक्स हो जाता है, ऊपर से नीचे तक रिलैक्स हो जाओगे। सोनू कौन? सोनू कौन?
दोनों बड़ा भाई मोती लग रहा है। वो भी यही काम करता है, वही करवाता है, वही करवाता है। कितने लोगों से करवाता है वो? मेरे से करवाता था, पता नहीं बाकी दूसरे से करवाता है। कब से करवा रहा है तुमसे ये? ये तो छूटा उसके बाद से। ये था वो जेल में? कितने दिन रहा सोनू? सोनू तो अभी भी है जेल में ही है। देखो वो जेल चला गया, उसके बाद तो सुधर जाते हैं। हो गया वही बस, पैसा दिक्कत हो गया था मेरे घर में, प्रॉब्लम आ गया था। प्रॉब्लम आ गया तुम ये जहर खिला खिला के मार डालोगे मम्मी को हॉस्पिटल में भर्ती करना। अरे भैया बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलती हैं इलाज कराने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी ये बेचना शुरू कर दे। मम्मी खत्म हो गया सर, उसके कारण पैसा कारण हुआ है, पैसा नहीं मिला। समझ गया मैं, जिसको पैसे की जरूरत पड़ेगी वो चाकू लेके वसूली शुरू कर देगा, वो ये ब्राउन शुगर का काम शुरू कर देगा, वो गांजा का काम शुरू कर देगा। किसको कहानी सुनाते हो तुम? नहीं सर, जेल गए उसके बाद भी नहीं सुधरे। इनसे डिटेल में लीजिए, कौन कौन लोग करते हैं, ठीक है? सबको पकड़ना। हाँ हो गया सर, वो तो गया ही। फिर जेल में जैसे बच्चा 9 महीने में निकलता है ना, पहली बार 9 महीने में निकले, और फिर सेकंड टर्म निकलोगे? यहाँ रहूंगा नहीं मैं, यहाँ थोड़ी रहूंगा, जेल में रहोगे तो। तुमको कोई दूसरे जेल में रहना है क्या? तो दूसरे जेल भेज देते हैं, ट्रांसफर करके जेल में। कौन से जेल में रहोगे बताओ? बहुत बेकार जगह है। बेकार क्यों है? क्या खराबी है जेल में बताओ जरा, एक दो तीन खराबी बताओ। जेल में पुड़िया मिलता है नहीं मिलता? ये जेल में ये मिलता है नहीं मिलता जेल में? हाँ अभी कोशिश करें कोई पैसा वैसा दे तो। नहीं मिलता जेल में 9 महीने रहे, आधा छूट जाना चाहिए था। 9 महीने जेल में रहे, 8 महीने तो इसकी आदत तो छूट जाना चाहिए था। हाँ छूट गया था, लेकिन धीरे धीरे फिर चालू हो गई। बाउंसर से लेता था, बाउंसर भी करता है। हाँ उसका नाम भूल गया था। बाउंसर कौन है? बाउंसर अपने राज में अभी दी वो पकड़ा है ना चिचोला बॉर्डर में, अभी क्या नाम है उसका, प्रदीप ठाकुर। क्या तस्करी करता है? जेल में था सर। जेल में टीवी में देखे हो? अरे तब तो निकल, ये पूरा वीडियो हो रहा है ना, हंसी आ रही है तुम्हें। तुम्हें लग रहा होगा तुम मूवी स्टार बन गए। नहीं नहीं, अगली बार कोई डॉक्यूमेंट्री बनवाओगे तुम अपने ऊपर? बदनाम हुए उनका सर, इतना काम किए तो कोई बदनामी नहीं हुई, आज बदनाम हो गए तुम। काम नाम वाला करोगे तो नाम मिलेगा, काम ऐसा करोगे जहर लोगों को बांटोगे तो फिर नाम कैसे मिलेगा? तुम्हारे कारण हजारों युवक जो है वो इसके आदि बन रहे हैं, उनका पूरा करियर खत्म हो रहा है। भिलाई में चितरा देती है बीजी है। भिलाई में चितरा देती है। चितरा तीन में? भिलाई तीन में चितरा है। चितरा कौन है? चितरा लेडीज है। लेडीज भी बांटती है? बंडल लेती है सीधे के। बंडल लाती कहाँ से है वो चितरा? वो पता नहीं, वो कहाँ से लाती है, हम लोग लेने जाते थे वहाँ से, मुझे देखे हम लोग पास नहीं थे। नहीं था तो इमरजेंसी में वहाँ भागते थे। उसके बाद हमेशा रहता था क्या? एनी टाइम, एनी टाइम रात में 3 बजे होते तो 3 बजे नहीं 3 बजे रात तो, दिन दिन में शाम तक, शाम तक जो है सच बता दो। सच तो बताओगे नहीं भाई, झूठ बता के क्या उखाड़ लोगे मेरा? तो पकड़ लिया मैंने तुम्हें पूरा डिटेल लिखा है, क्या क्या बोला मैं डिटेल लिखा हुआ है। लेकिन इतना अच्छा तुम, इतने लोगों ने कभी वीडियो बनाया तुम्हारा पहले कभी? जेल में जाना तो देखना यूट्यूब पे, ठीक है सर? इससे पूछिए कि स्कूल कॉलेजों में सर, स्कूल कॉलेजों में सप्लाई होता है सर, तो इसका कोई नेटवर्क है क्या? स्कूल कॉलेज ही बेचते हो क्या तुम लोग? स्कूल कॉलेज, कॉलेज के बच्चे देते हैं क्या? कॉलेज बच्चे, कॉलेज वाले क्या देते हैं? नहीं पता। तो कैसे लोगों को तुम देते हो जो तुम्हारे हमारे टाइप का? किस टाइप के हो तुम लोग? हमारे टाइप के टाइप बताओगे ना अपना, कौन से सैंपल हो तुम लोग? स्कूल कॉलेज वाला कोई कोई नहीं लेता। तो माल कौन मंगाया था? सोनू सरदार, सोनू सरदार मंगाया था ना माल? हाँ जेल में, सोनू जेल से ही संभाल, जेल से कैसे कर रहा है सोनू सरदार काम?
जेल में है वो तो काम कैसे करे, मोबाइल रखता है क्या जेल में? वो मोबाइल चलता है जेल में, चलता है जेल में, सही बता रहे जेल में मोबाइल चलेगा अधिकार है, कौन सा नंबर चलता है इसका नंबर भी लेना, और अभी रेड मारिए जेल में भी और मोबाइल जब सर मेरे को मार डालेंगे जेल में। तो वही जा रहे हो ना यार, तुम मोबाइल रहेगा तो बात करो ना मोबाइल में, तुम उनसे यार काम ऐसा कियो जेलर को लिखे कि इनको सुरक्षा भी मुहैया कराएं जेल में, ठीक है जेल में इनको सुरक्षा डालेंगे पूरा देख रहे होंगे उधर तो जेल में मोबाइल पे कैदी लोग पूरा देखते हैं पूरा, सही बात है यूट्यूब में नहीं टीवी में, टीवी में देखते हैं मोबाइल भी रखते हैं, मोबाइल में उनका 3G 4G काम नहीं करता क्या? नहीं छोटा मोबाइल रहता है, छोटा मोबाइल रहता है मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया सिर्फ बात करने के लिए, और वो 24 घंटे बात करते हैं, कभी कभी बात करते हैं तो रहे हो 9 महीने यार क्या बात कर रहे, जब जरूरत पड़ती है तब बात करते हैं, कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होती क्या मोबाइल की? मोबाइल कौन उपलब्ध कराता है, मोबाइल कौन उपलब्ध कराता है जेल में? तो मेरे को नाजिद में लेके जाते हैं ना वो लोग, रखते हैं छिपा के रखते हैं, छिपा के पता नहीं कहाँ रखते हैं, ये कैसे मिट्टी पे कहीं छिपाते होंगे, तो रहे हो ना 8 महीने, तुम भी तो बात किए होगे घर में, बात किया मेरे को लाख पैसा करवाता है बात, पैसा में बात होता है, कितना लगता है 1 मिनट का बात करने का? 1 महीने का 2000 लगता है बात करने का, अच्छी सर्विस है, 2000 रुपए बात करने का लगता है, और क्या क्या जगह पैसा लगता है, और क्या क्या जगह पैसा लगता है जी, तो बात करने का 2000 लगता है, और कोई खर्चा नहीं है, खाना पीना जाना सब फ्री है, खाना पीना कोई फ्री नहीं, सब पैसा तो किसी का पैसा है? खाने पीने में क्या पैसा है? पैसा लेते हैं ना सर, ऐसा तो तू कहाँ जमा करके जाना फिर जी, पेटीएम करना पड़ता है ना उसके लिए, कहाँ सोची क्या करते हैं पेटीएम, पैसा पेटीएम पैसा उसी किसको करते हो है? किसको करते हो? किसको करता हूँ पता नहीं, किसके में जाता है बस इतना, कौन मांगता, कौन है मांगता, कौन है पैसा, मांगता कौन है पैसा, किसको देते, किसको जिससे वो लोग खरीदोगे जो मतलब। चलो कोई बात नहीं, तो बहुत एक्सपर्ट आदमी हो, एक बार राहुल तुम्हें दूसरी बार की जेल की में रहने के लिए पहले से अग्रिम शुभकामनाएं, जेल में तुम अच्छा होली मनाओ, रंगों की होली रहे तुम्हारे जेल में, जेल में होली होली खेलते हो नहीं खेलते, बीवी प्रेगनेंट है तो इस तरह काम ही नहीं करना चाहिए था ना, खत्म हो गया, दो दिन हुआ है, दो ही दिन हुआ तीनों को पता कर लो सर, नहीं अच्छी बात है ना, अभी जज साहब के पास पेश करेंगे, जज साहब को सारी कहानी सुनाना, देखो काम ऐसा करो ही नहीं कि जेल जाना पड़े, 8-9 महीने अगली बार फिर निकलोगे तो मत करना, क्या पता इतना सारा लगा दी, इतना था ही नहीं, ये क्या ये भी ऊपर से गिरा क्या, आसमान से बारिश होती है वैसे ये भी गिरता है क्या ऊपर से, और सजा तो देखो बराबर है, पिछला भी दूसरा लगे था मेरे लगा दिए थे, ऐसा पिछली बार पिछला भी दूसरे का सजा था, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है इसमें, मेरा कुछ नहीं था, अभी तो तुम बोले नागपुर से लाया तू, हाँ तो मेरा भी था मतलब पूरा नहीं था, और तो और किसका था बता दो, और किसका और है ना, शिव पालन में कौन है बताओ, ये माल कितने लोग का था यार, ये माल कितने लोग का था, माल लोग 4 लोग का था, कौन 4 लोग, मैं बबलू यादव और बबलू यादव, ये और एक और है, क्या नाम है पोतन, चलो क्या पोतन पोषण पोषण पोतन, कोई बात नहीं, उन दोनों को भी तुम्हारे पास जेल में भेज देंगे जिससे तुम्हारा आनंद रहे, जब चारों ने मिलकर किया तो चौकी में काम, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बाकी दोनों को भी साथ भेजो, सर एक थोड़ा सा कंफर्म करना था सर, 25.540 ग्राम लिखा हुआ है तो 25 किलो 540 ग्राम, 25 ग्राम 25.5 ग्राम हुआ, 25.5 25 लाख आप समझ सकते हो, 4 लोगों ने 50,000 का खरीदा, 2 लाख का इन्होंने सामान खरीदा भैया पीछे वाले और मार्केट में आकर ये 25 लाख में बिक रहा है, करीब 10 गुना दाम में ये मार्केट में बिकता है,
सोनू सरदार इससे कैसे कॉन्टेक्ट किया? कौन से बताया ना फोन बताई दिया उसने भी फोन से 2000 रुपए लगते हैं फोन में बात होती है इसको ये हिस्सा पहुंचाता हूं अगर उसको अबे यार वो निकलेगा तो ये मदद करेगा ये अंदर गया तो वो इसके परिवार को देखेगा ये तो पूरा उनका वो बना हुआ जीन बना हुआ है ना ये बता रहा है आधा दूर लेता है जहाँ रहता है इसके सब आधे दोस्त लेते होंगे ना जो जिसके साथ घूमता है उसको वही पूरी दुनिया दिखती है पूरा शंकर नगर शंकर नगर का दाम तो ब्राउन शुगर नगर रख देना चाहिए तुम्हारे हिसाब से जितना लड़का है ना सब आधा आधा शंकर नगर बोल रहा हूँ शंकर नगर पूरा भगवान शंकर को तुमने शंकर नगर की जगह इसका नाम ब्राउन शुगर नगर रख देना चाहिए क्या भाई उसका शंकर नगर का नाम ब्राउन शुगर नगर रख दे क्या ये बहुत तेज है बदमाश आदत ही नहीं पढ़नी चाहिए थी ना भाई ये ए बी सी डी सब पे इल्जाम है और ये फादर दो और नाम बताया उसको भी पकड़ लेंगे चिंता मत करो तुम एसपी साहब का वीडियो नहीं देखे अभी तक ये देखो वीडियो देखा फिर भी नहीं सुन रहा मेरा वीडियो देखे हो कभी कहाँ पे कहाँ पे देखे फेसबुक पे देखे यूट्यूब पे देखे कहाँ देखे पब्लिक ऐप में आता है पुलिस वाला कुछ में देखा हाँ पब्लिक ऐप तो देखे तू अपना नहीं देखा तेरा तो खुद लिए थे साहब ही तेरे को ही पकड़े थे ना साहब पकड़े थे ना तू अपना नहीं कहाँ पे ये तो बात नहीं कर रही है ये तो याद ही नहीं सर इस बार आ चुके सर ये जब तक लेगा नहीं मुझे याद आएगा कब पकड़ाए थे 6 जून निकले कब के बाहर मार्च जनवरी डेढ़ महीना हो गया है 13 जनवरी को निकला हूँ नागपुर कितने दिन का डेढ़ महीना कितनी बार नागपुर गया हो डेढ़ महीने में दूसरा बार था ये लोग सुधरेंगे नहीं मैं सुधरूंगा सर क्या सुधरोगे मैं रिकॉर्ड खराब कर देख लो सर अब नहीं करूंगा मैं पहले आदमी हो तो उस टाइम पीसी नहीं होता था तेरे को जेलर जरूर सुधार लेकिन इसे आप रेट किस ले सकते हो जेल में मेरे को दिक्कत ना मारते बहुत नहीं तो लिख रहे हैं सुरक्षा मोहल करा रहे हैं जेलर लिखेंगे ना लिख के देंगे उनको ठीक है मारते सर नाम लिख के देना उस सब कैदियों को समझा दूंगा काउंसलिंग कर दूंगा उन कैदियों की मारते क्यों तुमको कौन कौन मारेगा यार उसका भी नाम बता दिया ना मारेंगे जो मारेंगे उनका भी नाम बता दे वहाँ पे नहीं मारेगा तो मारेगा बता दिया तो मारेगा सही बात है मोबाइल सबका जब्त हो गया तो सब नाराज होंगे तुम्हारे ऊपर नाराज होगा और वो खाने पीने का पैसा लगता था वो खाने पीने का पैसा भी देंगे डबल हो जाएगा अगर मारेगा फ्लाईओवर की फ्लेवर क्या बोल हेलीकॉप्टर बना के मारते बता दे चार आदमी पकड़ते चार है चार आते हैं दोनों इधर पीछे सब तरफ क्या चीज से मारते हैं फ्लेवर डंडा आता है ना मेन क्या बात है कि इसका मोबाइल जब्त हो गया बाकी लोगों का तो इस पर बहुत टूट पड़ेंगे सर क्यों और सबका मोबाइल पकड़ा जाएगा जेल में तो नाराज होंगे तुम मार देगा सर मार ही देगा लग रहा है मेरे नहीं 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 इतना मत डरो तुम मार जेल में मार देगा सर कोई ना नहीं नहीं लिख के देंगे सुरक्षा मुहैया कराएंगे तुमको बिल्कुल और खाने पीने का पैसा मत देना बात कर लूंगा मैं ठीक है खाने पैसा अब
से फ्री। और क्या क्या मिलता है? फ्री अलग मिलता है। अच्छा इसको अलग खाना है, पैसे वाला अलग है, इन लोगों को अलग डिमांड है। अब मान लो चिली चिकन खाना है, फास्ट फूड अलग पैसे से मिलता है। और क्या क्या सुविधा मिलती है जेल में? बीड़ी का क्या रेट है? बीड़ी का माफूर सिगरेट का रहने दीजिए बहुत बेचारा, वो और मार खिंचवाने का क्यों आप लोग उपाय कर रहे हैं? सर एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, ये हमारे जेल प्रशासन पे क्वेश्चन मार्क नहीं सर, ये सारा सामान अंदर प्रोवाइड हो रहा है? क्या चीज? ये सारे सामान जैसे मोबाइल, ड्रग्स या जो भी चीज हथियार, तो सर ये अपने जेल प्रशासन एक प्रश्न चिन्ह नहीं है? ये तो केवल इसका कथन है, इसके कथन को, लेकिन निश्चित रूप से जेल प्रशासन के साथ जो है वो कम्युनिकेशन किया जाएगा और जिला पुलिस द्वारा भी जेल प्रशासन से मिलके रात में रेड की कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ साल पहले हमारे एक एसपी साहब हुआ करते थे शशिपुर सर, उन्होंने जेल पर रेड किया था, उनको एक घंटा बाहर खड़ा कर दिया गया था प्रशासन द्वारा, उनको अंदर देसी तो ना